एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। हमने सोचा आज एक स्पेशल पराठे आपको बना के खिलाते हैं और वो है पुदीना पराठा। आप देखिए, मैंने इस कप से मेजर करके 2 कप आटा ले लिया है और ये पुदीना लीव्स को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। फ्रेश पुदीना पत्ती है, इनमें डंडियां नहीं लेनी है और इनको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। तो ये 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा है कटने के बाद। इसको हम डालेंगे इसमें आटे में। थोड़ा यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सूखा पुदीना भी लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने कैसे बनाया था इसको। और ये बहुत काम आता है, अगर आपके पास ये फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप सूखा पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ली है हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैंने हाथ से ऐसे मसल लिया है। ये हरी मिर्च के बीज निकालकर मैंने 1/2 हरी मिर्च ली है, 1 से 2 आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे ये नमक स्वाद के अनुसार। चाट मसाला है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स। आप अगर चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं, पसंद करते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टेबलस्पून। पहले इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे। ऐसे हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमने डाला है ताकि पराठे जो है वो खस्ता बने। ये मिक्स होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ऐसे, और आटा लगाएंगे। आटा हमें ना ज्यादा टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाना है। पहले हमने सब चीजें मिक्स कर ली हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि पुदीने के पत्ते जो हैं वो गीले थे थोड़े, तो पहले आप मिक्स करके देखें और जितना आपको आटा ऐसे लगाना है, जितना सॉफ्ट लगाना है, उसके तरीके से आप पानी डालते जाइए। ये थोड़ा सा हमारा सख्त है। अब इधर जो सूखा आटा है उसमें हम डालेंगे और ये बहुत आसान है, आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से हम सारा इकट्ठा करते हुए ऐसे करके आटा अच्छे से मत लेंगे। आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाए तब तक हमें इसे लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और आटे को ऐसे मथते जाएंगे, चिकना कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा थिक है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट से थोड़ा सा, जैसा आप पराठे के लगाते हैं वैसा आटा आपको लगाना है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाकर ढककर रख देंगे और ये अब बिल्कुल हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। देखिए अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इसको हम ये बाउल में ढककर 10 से 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है तब तक हम एक मिंट चटनी बनाते हैं फटाफट। ये देखिए इतना सारा हमने ये पुदीना ले लिया है जो हमारा पराठा बनाने के बाद बच गया था। और पुदीना क्या है, गीला होने के बाद अगर आप रखेंगे ना तो वो फ्रेश नहीं रहता, काला पड़ जाता है। इसमें हम 2 डालेंगे हरी मिर्च तोड़ के, और जितना हमने पुदीना लिया है ना उसका 1/2 हम धनिया लेंगे, क्योंकि हम इसमें पुदीना फ्लेवर ज्यादा कर रहे हैं। आप हरी मिर्च भी कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 कलियां लहसुन की छिली हुई डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम रेगुलर सॉल्ट, सफेद नमक, और थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक। तो ये दोनों स्वाद के हिसाब से आपको डालना है। और 1/4 टीस्पून डाल रही हूं मैं जीरा। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अच्छे से ये पिस गई है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके अंदर अब हम 1/2 लेमन निचोड़ देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बन गई हमारी यम्मी सी चटनी फटाफट। तो अब हम करते हैं पराठे की तैयारी। तो 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट, और आटा बहुत अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें आटे की लोई तोड़ेंगे
जितना आप बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उस तरह से लोई तोड़िए। इतना बड़ा हमने पेड़ा बना लिया है, इसको अब हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको रोल करेंगे। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, चिली फ्लेक्स दिख रहे हैं और कटा हुआ पुदीना है, अजवाइन है, बहुत ही बढ़िया। आटा स्मूथ लगा है इसलिए ये बहुत अच्छा बनने वाला है। हमने बटर लिया था, आपको दिखाया था इंग्रेडिएंट्स में, वो हम अब यूज करेंगे। हम यहाँ पर बटर लगाएंगे। पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसे बने। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो पराठे बनाना तो बनता है। अब हम इसके ऊपर ये सूखा पुदीना डालेंगे, यानी बाहर हमने कटा हुआ पुदीना यूज किया है, अंदर हम सूखा पुदीना डालेंगे और इसके ऊपर सूखा थोड़ा सा आटा डालेंगे। और अब हम इसको फैन की तरह ऐसे रोल करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको पराठा बनाते हुए बताया है, ऐसे फैन की तरह रोल कर लेंगे। और इसको फिर हम इस तरह से पूरा नीचे की तरफ से इसको पैक कर देंगे और इसकी लोई बना लेंगे और इसको अब हम बेलेंगे। सूखा आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसको ऐसे बेलेंगे। बहुत बढ़िया बनते हैं ये पराठे। तवा ऑलरेडी गरम हमने होना रख दिया है, अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये पराठा। दोनों तरफ से इसको सिकने देंगे, एक तरफ से ये हो गया है, अब हम दूसरी तरफ से भी इसको करेंगे, सेकेंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, आप घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया है और हम इसको इधर से भी सेक लेंगे। गैस को इस समय धीमा कर लेंगे, पराठा जो है धीमी गैस पे अच्छा सिकता है। ये इधर से भी देखिए दोनों तरफ से हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे। एक और पराठा हम बेल लेते हैं और इसमें भी हम सेम प्रोसीजर से बटर लगा देंगे, हल्का हल्का, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए बटर। और इसके ऊपर फिर हम ये पुदीना लगाएंगे और इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। इसको हम लच्छा पराठा नहीं बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और आटे में लगा के बेलेंगे। ये देखिए हमारा जो ये पराठा है बहुत अच्छे से सिक गया है और अब हम इस पे डाल देंगे दूसरा पराठा। एक तरफ से ये सिक गया है, अब हम दूसरी तरफ से सेक रहे हैं, तब तक ऊपर से लगा रहे हैं ऑयल और धीमी आंच पर इसको सेकेंगे। आप पराठे बनाकर देखिएगा, ऐसे नहीं पता चलता है, जब आप बनाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा लेंगे और धीमी आंच पर सेकने से क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए ये वाला पराठा फूल गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बना है। दोनों तरफ से हम इसको सेक लेंगे, देखिए कितना अच्छा फूल गया है पराठा। ये देखिए जो पहला पराठा है हमारा, आवाज सुन रहे हैं आप, इसकी ये परतें खुल गई हैं देखिए। और ये पुदीना पराठा, लच्छा पराठा आपका बनकर तैयार है। दूसरा पराठा भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया है, ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट। तो आइए इसकी भी प्लेटिंग करते हैं। तो ये आपको दिखाऊं मैं पराठा, ये देखिए ये लेयर है, अंदर पुदीना है सूखा, ऊपर हरा वाला पुदीना है। खाकर देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है और ये क्रिस्पी है, ये देखिए कितनी लेयर्स है अंदर। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये पराठे जरूर बनाइए और खाइए। इसको बटर से सर्व कीजिए, हरी चटनी के साथ, दही के साथ,
जैसे भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।